ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। दुर्ग जिले के बोरई नवोदया विद्यालय में 37 सीजी बटालियन की ओर से 10 दिवसीय एनसीसी कैंप का आयोजन किया गया। एनसीसी कैंप में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कैडेट से बात की और उनके सवालों के जवाब दिए, साथ ही उन्हें लाइफ के चैलेंजेस का सामना करने के लिए टिप्स भी दिए। इस दौरान इंडियन न्यूज की टीम ने कैडेट से भी बातचीत की। कैडेट्स ने बताया कि कैंप में उन्हें एकता और अनुशासन सिखाई जा रही है, जो हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है। यहाँ पर हमने डिसिप्लिन सीखा, कैसे अपनी कंपनी को संभालना है, कैसा ड्रेसअप करना है, स्मार्टली रहना है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और अपने आसपास की सराउंडिंग को कैसे क्लीन रखना है। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा, डिसिप्लिन, यूनिटी, और यहाँ आने के बाद बहुत मज़ा भी आया। और यहाँ हर चीज़ सब चीज़ अच्छा है, खाना पीना भी अच्छा है और स्पोर्ट्स गेम्स भी होता है और सुबह पीटी के लिए बुलाया जाता है और यहाँ डिसिप्लिन और रूल्स वूल्स सारे अच्छे हैं और हाँ मज़ा आ रहा है यहाँ बहुत। 10 दिन का एनसीसी कैंप लगा है। एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन। यहाँ पे हमें डिसिप्लिन और यूनिटी सिखाई जाती है। मैं एनसीसी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि मेरा एम है, मैं फौज में जाना चाहता हूँ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।